नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, मंगलवार देर रात उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक अधेड़ उम्र का शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया और साथ ही भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिस कारण कई घंटों तक रास्ते से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे थे, किंतु रोज प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस का गुस्सा भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे मामले के पीछे आखिर क्या कारण था, देखिए ये रिपोर्ट। दिन मंगलवार, तारीख 10 जुलाई, जगह रोहिणी। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं वो राजधानी दिल्ली के रोहिणी की है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मंगलवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक अधेड़ उम्र का शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया और साथ ही भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। दरअसल इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराज़गी जताते हुए सड़क जाम किया। खंभे पर चढ़े शख्स के परिजनों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन इनकी शिकायत पर जरा सी भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल देखने को मिला, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लड़की 19 तारीख को 9:30 बजे के आसपास घर से गायब हुई। इसके बाद हमने 100 नंबर पे फोन की, जिसके बाद FIR फाइल हुई। दूसरे 20 तारीख को, 27 तारीख को उसका फोन आता है हमारे पास 1:15 बजे के आसपास कि आप 25,000 रुपये दो, आपकी लड़की शाम तक मिल जाएगी, मुखबिर पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ ज्यादा लड़का जिसकी लड़की थी उसने बोला ठीक है हम आपको पैसे दे देंगे, आप लड़की को ले आओ। आधे घंटे के बाद दोबारा पुलिस वाले का फोन आता है SI विनीत कुमार का कि आप पैसे लेके आ जाओ, लड़की को हम थाने में ले आए। जब हम थाने पहुंचे तो उससे पहले लड़की को अम्बेडकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कोई मेडिकल नहीं करा। लड़की को बोला कि तुम मना कर देना कि मेडिकल नहीं करवाना है। उसके बाद वहां से डरा धमका के लड़की को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया और लड़की को पहले ही बोल दिया गया जो हमने बोला वो नहीं बोलेंगे तो आपके मम्मी पापा को जेल में डाल देंगे। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला, जिस कारण काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा और पूरी तरह से सड़क पर आवाजाही भी रुक गई। इस दौरान जहां एक ओर भारी पुलिस बल की तैनाती रही, वहीं दूसरी ओर फायर ब्रिगेड भी मौजूद रही और फायर ब्रिगेड की काफ़ी मशक्कत के बाद ही शख्स को बिजली के खंभे से सुरक्षित उतारा जा सका। इस बीच दिल्ली पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। क्या पुरुष और क्या महिलाएँ, सभी को इस लाठी चार्ज का शिकार होना पड़ा। 8:40 पे हमें कॉल मिली थी कि एक आदमी है जो बिजली के खंभे पे खड़ा हुआ। उसके बाद हमारी टीम आई और फिर हमने अपनी स्पेशलाइज व्हीकल मंगाई थी स्नॉर्कलर, जिसके द्वारा इन्हें नीचे उतार के हमें पुलिस को हैंडओवर कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे कारण क्या था। दरअसल परिजनों की माने तो कुछ दिनों पहले एक लड़की का अपहरण हुआ, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस ने इनसे सुविधा शुल्क की मांग की। साथ ही ना तो लड़की का मेडिकल कराया और ना ही आरोपित पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इसके अलावा परिजनों की माने तो पुलिस ने इस मामले में आरोपित पक्ष से भारी सुविधा शुल्क बटोरी, जिस कारण आरोपित पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। विनीत कुमार कौन है? विनीत कुमार कौन से थाने में? हालांकि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में जहां एक ओर इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा करना गलत था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का भी रवैया काफ़ी निराशाजनक रहा और इसका खामियाजा इस सड़क से गुजर रहे राहगीरों को भुगतना पड़ा। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।